बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बलोचिस्तानी चिकन का एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो चलें से बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने 1.5 किलो चिकन डाला है। अब हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसका कलर जो है चेंज हो जाए। वन टेबल स्पून सॉल्ट और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दो प्याज यहाँ पे मैंने लिए चॉप्ड हुए। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। वन टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, और वन टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, आप लोग इसे इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं और उनके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। आधा किलो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। उनके मैंने दरमियान से जो है 2 पीसेस कर लिए हैं और अब हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट जो है हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर की जो स्किन है वो उतार लेंगे। इनकी स्किन उतारने के बाद हम टमाटरों के अंदर ही रहने देंगे और थोड़ी देर बाद हम टमाटर भी निकाल लेंगे, जब तक कि टमाटरों का टेस्ट जो है वो अंदर चले जाए। हमें सिर्फ इनका टेस्ट चाहिए। अब इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च, वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इसे कवर कर दें 6 से 7 मिनट के लिए। देखें 7 मिनट हो गया। अब हम चिकन के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन जो है वो हमारा गल चुका है।
अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची डाल रही है इसके ऊपर, और 1 बाउल योगर्ट का, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। देखिए हम इसके ऊपर अंदर से जो टमाटर हैं वो निकाल रहे हैं। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाला है। अब इसके ऊपर मैं फ्रेश धनिया डाल रही हूँ गार्निश के लिए। अब आप लोग इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखिए कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार है, कितने मज़े की लग रही है, जितने मज़े की देखने में लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।